हेलो दोस्तों, तो हम लोग बात कर रहे थे मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान के बारे में। तो इसमें अभी तक हम लोग 21 चैप्टर ख़त्म कर चुके। आपका लास्ट चैप्टर था मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में हम लोगों ने सांस्कृतिक परिदृश्य के बारे में बात की थी। इसमें बात करने वाले हैं चित्रकार एवं रंगकर्मी। याद रखिए, आपके जितने भी चैप्टर ख़त्म होते जा रहे हैं मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान से संबंधित, वो सभी मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान के नाम से प्ले लिस्ट सूची बनी हुई है, उसी में डले हुए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं इसमें हम लोग चित्रकारों के बारे में। तो पहले अपने डी डी देवलालीकर, दत्तात्रेय दामोदर देवलालीकर, इनके जन्म की बात करें तो इनका जन्म हुआ 1883 में धार जिले में, मध्य प्रदेश के धार जिले में विडवाल नामक गांव में हुआ था। मध्य प्रदेश की चित्रकला के पित्र पुरुष माने जाते हैं। चित्र शैली डेकोरियम लिस्टिक शैली है इनकी। सन 1978 में दिल्ली में ये दिवंगत हुए। ठीक, फिर अपने अगले हैं विष्णु चिंचालकर। इनका जन्म हुआ 1917 में देवास जिले के आलोर गांव में। उन्होंने मुख्यतः प्रसिद्ध लैंड ऑफ आर्ट प्रोट्रेट से बनाई। बच्चों के आरंभिक अक्षर ज्ञान के उद्देश्य से चासुस विधि का आविष्कार किया, दृश्य विधि का आविष्कार किया। 1960 में उन्होंने फ्राइडे ग्रुप नामक कलाकारों का समूह भी बनाया था। 1960 में अपने बनाए गए एक उत्कृष्ट प्रोट्रेट पर इन्हें AIFACS के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय वेनियल में प्रथम पुरस्कार भी मिला था। वर्ष 2000 में सन 2000 में हृदयघात के कारण इनका निधन हो गया। अगले हैं आपके नारायण श्रीधर बिंदे। इनके जन्म की बात करें तो 1910 में इंदौर में हुआ। कश्मीर सरकार के विजिटर्स ब्यूरो में पत्रकार के रूप में 1936 से 1939 तक कार्य किया इन्होंने। अगले हैं आपके सैयद हैदर रजा। नरसिंहपुर जिले के बावरिया ग्राम में 1922 में इनका जन्म हुआ। इनके उल्लेखनीय चित्रों में अटल सुन, अनंतता, बिंदु, अनसुनी आवाज, माँ, राजस्थान, सफ़ेद फूल, नांग, अंकुरण, स्पंद इत्यादि हैं। इन्हें 1981 में भारत सरकार द्वारा पद्म श्री तथा मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 1996 में इन्हें कालिदास सम्मान भी दिया गया। 1947 में रजा ने मुंबई में प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप की स्थापना भी की थी। ठीक, अगले हैं आपके इनके चित्र, इन्हीं के बारे में बता रहा हूँ। ठीक है, हैदर सैयद हैदर रजा, इनके चित्रों में समर नामक चित्र पेरिस कला संग्रहालय में, विलेज नामक चित्र ग्रेनोबल चित्र संग्रहालय में फ्रांस में, और रूपांकर नामक चित्र ललित कला संग्रहालय भोपाल में संग्रहित है। आपके हैं अगले चित्रकार देवयानी कृष्ण। इनके जन्म की बात करें देवयानी कृष्ण का जन्म इंदौर शहर में हुआ था। 1946 में अंतर्राष्ट्रीय चित्र प्रदर्शनी में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ था, इन्हें प्रथम पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। ठीक, फिर हैं अगले हैं आपके डी जी जोशी। चित्रकार आपके अगले मध्य प्रदेश के हैं डी जी जोशी। देवकृष्ण जयशंकर जोशी का जन्म 1910 में खरगोन के निकट महेश्वर में हुआ था। फिर हैं आपके महमूद फिदा हुसैन। 17 सितंबर 1915 को महाराष्ट्र के पंडरपुर में इनका जन्म हुआ। इन्होंने इंदौर कला विश्वविद्यालय से ड्राइंग तथा पेंटिंग का डिप्लोमा प्राप्त किया। इन्होंने अपनी प्रथम एकल चित्र प्रदर्शनी 1950 में आयोजित की। भारत सरकार द्वारा 1966 में उन्हें पद्मश्री सम्मान दिया गया। कब? 1966 में। 1973 में पद्म भूषण सम्मान दिया गया इन्हें। श्री हुसैन गज गामिनी नामक चित्र श्रृंखला तथा इसी नाम से फिल्म निर्माता के रूप में चर्चित भी रहे हैं। ठीक है, 96 साल की आयु में 9 जून 2011 को लंदन के एक अस्पताल में इनका निधन हो गया था। ठीक है, फिर हैं आपके अगले अन्य चित्रकार हैं मध्य प्रदेश के। कौन कौन से इनमें
रमेश पटेरिया, राजाराम, डॉक्टर मंजूषा गांगुली, अफजल जगदीश स्वामीनाथन, वसंत आगासे, सुरेश चौधरी, एस के जमींदार, सैनिक जैन, रॉबिन डेविड, जी के पंडित, अमृतलाल बेगड़, मदन भटनागर, यूसुफ, सचिदा नागदेव आदि, ये सभी मध्य प्रदेश के चित्रकार थे। अब बात करते हैं रंगकर्मी के बारे में। किसके? रंगकर्मी। तो पहले हैं आपके बाबा डीके। इनका जन्म की बात करें तो 1919 में नीमच में इनका जन्म हुआ। इन्होंने आकांड तांडव नामक रचना से अपनी प्रस्तुति प्रारंभ की। उन्होंने 1944 में इंदौर में नाट्य भारती की स्थापना की। इस संस्था के अंतर्गत लिटिल थिएटर का गठन भी किया गया। फिर है आपकी हबीब तनवर। 1 सितंबर 1923 को रायपुर में इनका जन्म हुआ। 1 सितंबर 1923 को। वर्ष 2002 में पद्म विभूषण से सम्मानित किए गए हबीब तनवर साहब। वर्ष 2007 में फ्रांस सरकार के प्रतिष्ठित पुरस्कार ऑफिसर ऑफ द आर्ट्स एंड लेटर्स से भी नवाजे गए आपके हबीब तनवर साहब। 1954 में उन्होंने दिल्ली में हिंदुस्तानी थिएटर की स्थापना भी की थी। किसने? हबीब तनवर ने। ठीक है, आगे बात करते हैं हम लोग। उन्नीस में अंतर्राष्ट्रीय नाट्य महोत्सव में फ्रेंच फर्स्ट अवार्ड एनवारा भी दिया गया हबीब तनवर साहब को। हबीब तनवर साहब ने 30 से अधिक लोकप्रिय नाटकों का निर्देशन भी किया है, जिनमें आगरा बाजार, चरणदास चोर, कामदेव का सपना, वसंत ऋतु का सपना, साजापुर की शांतिबाई, लाला सोहरत राय, मुद्रा राक्षस आदि शामिल हैं। 8 जून 2009 को हबीब तनवर साहब का निधन हो गया, मृत्यु हो गई। कब? 8 जून 2009 को। फिर आपके आते हैं नरहरी पटेल साहब। कौन? नरहरी पटेल। नरहरी पटेल साहब का जन्म 1934 में रतलाम के सैलाना में है हुआ। उनके द्वारा जन नाट्य संघ तथा यौनिक नामक दो संस्थाओं की स्थापना की। दैनिक नई दुनिया में प्रकाशित अपने स्तंभ थोड़ी घनी के माध्यम से श्री पटेल ने मालवी को मुद्रित साहित्य की भाषा बना दिया। आपके हैं अगले हैं विभू कुमार। इनके जन्म की बात करें विभू कुमार की तो 13 मार्च 1942 को सागर में हुआ। इनके प्रमुख मंचन में बात करें तो तालों में बंद, प्रजातंत्र, भिकमंगे मुखोटे, हत्या एक आकार की, अभिमन्यु सड़क पर और बाकी इतिहास इनके नाटक हैं। फिर हैं आपके शरद शर्मा। शरद शर्मा जी का जन्म हुआ 17 जनवरी 1956 को विदिशा में। इन्होंने मुख्य रूप से कर्ण, दुर्योधन, रावण, अग्निमित्र, गिलोड़ और विकासा राय की भूमिका निभाई। शरद शर्मा द्वारा निर्देशित नाटकों में 1.5 इंच ऊपर, देशद्रोही, अप्रासंगिक, थैंकू में गिलोड़, कोर्ट मार्शल, कन्हैया समझ गया, बच्चों का सपना आदि प्रमुख हैं इनके। शरद शर्मा ने अपनी कर्मस्थली उज्जैन में जनवरी 1982 में अभिनव रंगमंडल का गठन भी किया था। ठीक है, तो इसमें हम लोगों ने बात की है आपके प्रमुख जो चित्रकार थे और रंगकर्मी थे। आगे हम लोग बात करेंगे साहित्यकारों के बारे में। मध्य प्रदेश के जो साहित्यकार हैं आपके, उनके बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है।